नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। वहीं इंदौर में 7 दिन की मासूम को उसे जन्म देने वाली मां ने ही अपनाने से मना कर दिया। मासूम को बाल कल्याण समिति ने अपना लिया। इस बच्ची को 19 साल की छात्रा ने जन्म दिया है। वह 1 साल से इंदौर में ही नौकरी करने वाले युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। लिव इन में रहने के दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसके पार्टनर को यह पता चला तो उसने बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। छात्रा ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। उसे ये भी नहीं पता कि वह युवक शादीशुदा है। इंदौर के महू में रहने वाली छात्रा को उसके परिजन डिलीवरी के लिए MY अस्पताल लाए। यहां उसने 1 सप्ताह पहले एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने बताया कि छात्रा अभी 19 साल की है, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसके बाद डॉक्टर ने इसकी जानकारी तत्काल बाल कल्याण समिति को दी। छात्रा ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरी ओर नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति ने एक संस्था को सौंपा है, जहां उसकी हालत अच्छी है। सीवान में शुक्रवार की रात लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे आक्रोशित मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शनिवार को आरोपी के मकान में आग लगा दी। इससे अंदर सो रही 4 महिलाएं झुलस गई, जबकि आरोपी के परिजन की एक महिला की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।